हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SNMIS। सो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि करंट का टॉपिक है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने रिसेंट न्यूज़ में सुना होगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। आपको मैं की पॉइंट्स बताऊंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज जो है वो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बोला था ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, जो 2023 का जो ये इंडेक्स है, ठीक है, सबसे पहले हमें जानना है कि किसने पब्लिश किया है, कौन इंस्टीट्यूट है जो इसको पब्लिश करता है। तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट की, तो वो है आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब आप बोलोगे कि सर ये इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर या फिर कहां पे है, तो ये इंस्टीट्यूट है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है, जिसका ऑफिस है, वो कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। इस इंस्टीट्यूट ने ये वाली जो इंडेक्स है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको पब्लिश किया है। और डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, दीज कंट्रीज आर द टॉप थ्री मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स अमंग 64 नेशंस। जो 64 नेशंस में जो सर्वे हुआ था, उनमें से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक इन्होंने जो है वो सिक्योर किया है। क्लियर। अब अगर हम बात करें इन थ्री इकोनॉमिक्स की, ठीक है, जो ये तीन इकोनॉमीज हैं, जो थ्री टॉप कंट्रीज हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें, तो फर्स्ट आपकी डेनमार्क। ठीक है, तो डेनमार्क की अगर हम बात करें, तो डेनमार्क जो वो पिछली बार भी जो थी वो टॉप पे थी और इस बार भी जो है वो टॉप पे है। तो यानी कि डेनमार्क ने अपनी पोजिशन जो है वो एज इट इज जो है वो बना के रखी है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर डेनमार्क की बात करें, तो कंट्रीज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एंड ट्रेडिंग पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड टू इट्स सक्सेस। तो इसकी सक्सेस का कारण यही है कि इसकी जो मार्केट्स या ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होती है। वो इतना ट्रेड में जो है वो इतनी हाईली इकोनॉमीज हैं उनकी, ठीक है, इकोनॉमी इनकी इतनी वास्ट है कि वो अपने जो उनकी यूटिलाइजेशन हैं, ठीक है, जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है मार्केट और ट्रेडिंग पार्टनर्स की, उन्होंने जो है वो सबसे बड़ा योगदान इसकी सक्सेस में दिया है। सेकंड अगर हम बात करें आयरलैंड, देखिए आयरलैंड ने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म किया है, यानी कि 11th प्लेस में थे लास्ट ईयर जो था वो, आयरलैंड 11th प्लेस में था, बट दिस ईयर आयरलैंड जो है वो सिक्योर्ड सेकेंड पोजिशन। ठीक है, क्लियर। थर्ड अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की एक पोजिशन ड्रॉप हुई, यानी कि लास्ट ईयर में ये सेकेंड पोजिशन में था एंड दिस टाइम इट्स सिक्योर थर्ड पोजिशन। ठीक है, तो यहां पे जो है ये आपकी टॉप थ्री इकोनॉमीज हैं जिन्होंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में टॉप किया है। क्लियर। अगर हम आगे चले, इंडिया का क्या इसमें पोजिशन है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो या तो टॉप का पूछा जाएगा या इंडिया का पूछा जाएगा, या फिर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका इंडेक्स को पब्लिश करती है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इंडिया की पोजीशन क्या रही है, इंडिया की पोजीशन आपकी रही है 40th प्लेस। ठीक है, यानी कि 40th पोजीशन में जो है वो इंडिया इस बार आया है, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स इंडिया ने जो है वो अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है, क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया की पोजीशन थी 43rd, यानी कि 43rd से 40th पोजीशन में जो है वो इंडिया आया है। यानी कि दिस ईयर अगर आपके एग्जाम में आता है, तो इंडिया ने कौन सी पोजीशन होल्ड की है, दैट इज 40th पोजीशन, ठीक है, अमंग 64 नेशंस। आगे चलें तो देखिए IMD जो है, यानी कि जो इंस्टीट्यूट है, इसने कुछ सेवरल एरियाज हाईलाइट किए हैं जहां पे इंडिया को जो है वो ध्यान देने की जरूरत है। तो एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, फर्स्ट है आपका गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसमें जो है वो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, गवर्नेंस है, उनमें जो है वो अगर इंडिया इंप्रूव करे, तो ऑब्वियसली जो है इंडिया भी आने वाले टाइम में टॉप 10 में जरूर अपना नाम बनाएगी। सेकंड है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड थर्ड है कंपनसेशन लेवल्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो पॉल्यूशन कंट्रोल पे ऑब्वियसली इंडिया ने काफ़ी जो है वो कदम उठाए हैं। ठीक है, यानी कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, जो ये आपका कुछ प्रोग्राम्स जो इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, उस पर काफ़ी अच्छा जो है वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है आने वाले साल में। अगर हम ये उम्मीद करें तो इंडिया जो है वो टॉप 10 में आ सकती है। तो गाइज, दिस इज द न्यूज़ फॉर द डे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।